दमों के विकास को पंख लगने वाले हैं क्योंकि दमों में मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होने वाला है। ऐसा कहना है दमों सांसद राहुल सिंह लोधी का, जिनके द्वारा एक सपना देखा गया था कि दमों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाए। इसको लेकर लगातार वह संघर्ष करते रहे। पहला विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पर उनके द्वारा लड़ा गया और जब प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार इस वादे को पूरा करने में सक्षम नजर नहीं आई तो उनके द्वारा बीजेपी का दामन थामा गया। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दमों में आकर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की और इसके लिए बजट भी सैंक्शन किया था। बाद में इसका टेंडर लगकर अब लगातार काम चल रहा है। बताया जाता है कि लगभग 14% से अधिक ये काम कंप्लीट हो चुका है। आगे भी लगातार काम तेजी से चल रहा है। दमों सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया। उनके विजिट के अवसर पर दमो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में दमो कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहे। पहले विजिट किया गया, विजिट के बाद एक बैठक भी की गई। जितनी भी समस्याएं आ रही थी उन्हें तत्काल हल करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। दमो सांसद राहुल सिंह का कहना है कि उनके द्वारा एक जो सपना सजोया गया था वह पूर्ण होने वाला है। मैं 14 महीने के बाद ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद लगातार लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और काफ़ी अच्छी बेहतर सुविधाएं दमोह शहर के लोगों को मिलने वाली हैं। आज उनके द्वारा बारीकी से इस मैप को भी देखा गया और यहाँ जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है उसकी भी जानकारी ली गई। मेडिकल कॉलेज का ये फर्स्ट फेज़ है, इसके बाद सेकेंड और थर्ड फेज़ भी आएगा। लगातार यहाँ पर सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। युवा पीढ़ी को विशेष रूप से, यहाँ पर आने वाले डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और एक बेहतर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि दमोह जैसी छोटी जगह पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। आज जिलाधिकारियों के साथ और जो मेडिकल कॉलेज के निर्माण कर रहे हैं उनके साथ और जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम जी के साथ पूरी साइट का विजिट किया और एक समीक्षा बैठक ली। और ये समीक्षा बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है कि एक नोडल अधिकारी की, 3 नोडल अधिकारी की टीम बनेगी जो हर महीने आके यहाँ पे समीक्षा करेगी कि क्या दिक्कत है। जैसे वर्तमान में भी पानी की समस्या हम लोगों को समझ में आई और छोटी छोटी प्रारंभिक समस्याएँ जो हमने नोट डाउन कर ली हैं और उनको ऊपर अधिकारियों से, माननीय मंत्रीगणों से बात करके उनको उनका निराकरण करेंगे। तय समय में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तकरीबन 14 महीने बचे हुए हैं, तो 14 महीने में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाए और दमों को यहाँ पे ये सुविधा मिलने लगे, उसके लिए अगले 14 महीने हम लोग हर 2 महीने 2.5 महीने में यहाँ पर बैठक करके काम की गति और काम में गति में कहाँ अवरोध आ रहा है उनको हम लोग तो उसका आकलन करके समय समय पर वो गतिरोध अलग करेंगे। एक्सटेंशन की बात हो रही थी और नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही थी। हाँ, ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 में बनेगा। प्रारंभिक रूप से ये एकेडमिक क्षेत्र बच्चों के लिए, उसके बाद उनके हॉस्टल्स, कैंटीन, फुटबॉल ग्राउंड, ये सब चीज तैयार। जैसे फेज 1 तैयार होगा फेज 2 में लग जाएगा, फेज 2 तैयार होगा फेज 3 में। तो इसका एक प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के हिसाब से मुझे लगता है अगले 3 से 4 वर्षों में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और फेज 1 जो है अगले साल अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे अगले 26 में मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों के एडमिशन होना प्रारंभ हो जाएंगे जिस हिसाब से गति चल रही है। और बाकी फंड्स की अभी कोई दिक्कत नहीं, उसके भी चर्चा हुई। डिजाइन एक विषय है कि जिसमें डिजाइन नहीं आने के कारण काम रुक जाता है, तो एडवांस में इनके पास सेकेंड फेज की डिजाइन भी आ गई है, तो काम में गति है और गति रहेगी, इस बात का हम लोग दिन की कितने खुश हैं आज आप देख रहे हैं कि आपके सपनों का मेडिकल कॉलेज काम निश्चित ही मन बड़ा प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। और आज जब आके यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज का आकार बनते हुए देखा तो जो दमों के लोगों ने, आमजन ने सपना देखा था वो आज अपना रूप ले रहा है। और मुझे लगता है कि अगले साल अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ फीता कटेगा और 26 में एडमिशन होना यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मानते मेडिकल कॉलेज से आर्थिक रूप से दमोह समृद्ध होगा? निश्चित ही। मैं ज्यादा तो नहीं बताता, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए हम जबलपुर जाते हैं और हम अपने परिजन को जब हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं तो सबसे पहला काम हम जब रहते हैं देखते हैं कि हम रुकेंगे कहाँ।
तो रुकने के लिए हम होटल या धर्मशाला देखते, फिर भोजन कहाँ करेंगे तो वो होटल देखते हैं। तो वो 500 रुपए दिन का कमरा, 500 रुपए दिन के भोजन का पैसा सीधे दमोह का जबलपुर जा रहा है। और जब पन्ना से, बड़ा मलेरा से, बक्सवाहा से जब लोग आएंगे और मेडिकल कॉलेज में अपने परिजनों को एडमिट करेंगे तो रुकेंगे तो होटल में रुकेंगे तो पैसा वो होटल में जाएगा, भोजन करेंगे तो वो पैसा भोजन का होटल वाले के पास जाएगा, पेट्रोल डलाएंगे तो पेट्रोल पंप वाले के पास जाएगा, दवाइयां लेंगे तो जो सारा पैसा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से दमों में पंप होगा। और जब वो पैसा दमों में आएगा तो इकोनॉमी उठेगी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारा दमों जो है वो मजबूत होगा, लेकिन आर्थिक रूप से जो आसपास के जिलों से पैसा आएगा उससे भी हमारे आम लोगों को फायदा होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे भारतीय जनता पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर ये मेडिकल कॉलेज यहां पे दिया। और निश्चित ही हम लोग सब अधिकारीगण, माननीय जिलाध्यक्ष जी, हम लोग और सभी मंत्री विधायकगण संकल्पित हैं कि दमों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग यहाँ प्रदान करें तय समय के भीतर।